श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर का सबसे चर्चित शो कुंडली भाग्य छोटे पर्दे पर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले शोज में से एक है। लंबे टाइम से चलने वाले इस शो में करण लूथरा का किरदार निभाने वाले धीरज धूपर ने घर घर में अपनी एक खास पहचान बना ली थी। वहीं 5 साल तक सीरियल में करण के किरदार को निभाने के बाद धीरज ने इस शो को छोड़ने का फैसला लिया है। धीरज ने कुंडली भाग्य सीरियल को अलविदा कहते हुए अपने सोशल हैंडल का सहारा लेते हुए एक वीडियो पोस्ट करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा और अपने फैंस व कुंडली भाग्य की पूरी टीम को थैंक यू कहा। उन्होंने लिखा, गुड बाय कहना हमेशा आसान नहीं होता। करण लूथरा मेरा बेबी था और हमेशा रहेगा। मैंने ना केवल इस किरदार को निभाया है बल्कि बहुत खुशी और गर्व के साथ उनके हर हिस्से को जिया है। मुझे ये स्टारडम और इतना सारा प्यार केवल कुंडली भाग्य और करण लूथरा से मिला और इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसी के साथ धीरज धूपर सभी को थैंक यू कहते हुए आगे लिखते हैं कि मुझे हर दिन एक राजा की तरह महसूस कराने के लिए सभी प्रशंसकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उन्होंने शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर को भी थैंक यू कहते हुए कहा कि आपने मुझे सब कुछ दिया है। बालाजी मेरे लिए घर की तरह है और हमेशा रहेगा। इतना ही नहीं, धीरज धूपर ने अपनी कुंडली भाग्य की पूरी टीम श्रद्धा आर्या, अंजुम पकी, मनीष जोहरा, रोहित चतुर्वेदी, संजय गगनानी, सुप्रिया शुक्ला के साथ अपनी पूरी टीम को धन्यवाद कहते हुए कहा, मेरी इस 5 साल की जर्नी को सबसे अच्छा बनाने के लिए पूरी टीम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे लिए आप क्या मायने रखते हैं। वहीं जब से मेरे शो छोड़ने के बारे में मेरे फैंस को पता चला है तब से मुझे उनके द्वारा ढेर सारा प्यार मिल रहा है जिससे मैं बेहद खुश हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस गुड बाय में आप मेरे साथ हैं। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। वहीं एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने भी धीरज धूपर के साथ अपनी कुछ रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, फॉरएवर एंड बियॉन्ड, प्रेरण अनफिल्टर्ड, बिल्कुल उनकी लव स्टोरी की तरह। वहीं धीरज धूपर ने भी श्रद्धा की इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, प्रेरण फॉरएवर, हमेशा के लिए। इसी के साथ हम धीरज धूपर के शो छोड़ने की बात करें तो वे जल्द ही एक पंजाबी फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार धीरज धूपर कुंडली भाग्य शो को नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि वे कुछ टाइम के लिए शो से ब्रेक लेने के बाद फिर से इसी सीरियल का हिस्सा बनने वाले हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि धीरज धूपर का यह प्यारा सा नोट उनके फैंस को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।